नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया तीसरा और एक और सबसे रोमांचक T20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस बार शुभमन गिल की भारतीय टीम के सामने सिकंदर रजा की जिम्बाब्वे की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और जिम्बाब्वे की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और भारतीय कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर में इस मुकाबले में खिलाए गए यशस्वी जायसवाल ने दो चौके और एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही उसके अगले ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपना धमाकेदार अंदाज जिम्बाब्वे की गेंदबाजी को दिखाया और गजब की बल्लेबाजी करते हुए अपना खाता खोला। दोनों ने ही धमाकेदार तरीके से भारतीय पारी को शुरुआत दिलाई थी और देखते ही देखते फिर दोनों की 50 रनों की ताबड़तोड़ ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों की इस शानदार ओपनिंग साझेदारी ने जिम्बाब्वे की टीम को शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया था। यशस्वी जायसवाल और भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मिलकर अब अपनी टीम को 67 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल को ब्रायन बेनेट के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 27 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब पिछले मुकाबले के शतकवीर अभिषेक शर्मा मैदान में उतरे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में ज्यादा कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए और फिर एक बार गेंदबाजी पर आए कप्तान सिकंदर रजा ने अभिषेक शर्मा को मरुमनी के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 9 गेंद में बस 10 रन बना पाए। एक बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत के बाद अब भारतीय टीम ने अपने दो बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। जिम्बाब्वे की गेंदबाजी ने अब इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में उतरे और फिर नए बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अब फिर एक बार सेट हो चुके भारतीय कप्तान शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ की इस जोड़ी ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था। जिम्बाब्वे की गेंदबाजी अब पूरी तरह दबाव में थी। दोनों ही छोरों से अब शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ जिम्बाब्वे की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने लगे थे। जिम्बाब्वे का कोई भी गेंदबाज भारतीय कप्तान शुभमन गिल को रोक नहीं पा रहा था और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए ब्लेसिंग मुजरबानी ने सेट हो चुके भारतीय कप्तान शुभमन गिल को सिकंदर रजा के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान शुभमन गिल 49 गेंदों में 66 रन बनाकर आउट हो गए। अंत के ओवरों में जहां पर भारतीय टीम को अपने कप्तान की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी मौके पर भारतीय टीम ने अपने कप्तान को अब खो दिया था। लेकिन बल्लेबाजी के लिए संजू सैमसन मैदान में उतरे थे, लेकिन अंत के ओवरों में ऋतुराज गायकवाड़ ने लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई, लेकिन अंत में वह अपने अर्धशतक से केवल एक ही रन से चूक गए और अंतिम ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी ने ऋतुराज गायकवाड़ को वेस्ले मधिवेरे के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ 28 गेंदों में 49 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इस पारी की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने एक शानदार चौका लगा दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने 182 रनों का एक बड़ा लक्ष्य जिम्बाब्वे की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 183 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने जिम्बाब्वे के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। टीम आरुमानी और वेस्ले मधिवेरे के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन जिम्बाब्वे की इस ओपनिंग जोड़ी को भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने ही नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए आवेश खान ने वेस्ले मधिवेरे को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। वेस्ले मधिवेरे 2 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए। वेस्ले मधिवेरे के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से ब्रायन बेनेट को मैदान में भेजा गया, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे जिम्बाब्वे के दूसरे ओपनर बल्लेबाज टीम आरुमानी को खलील अहमद ने शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कर दिया। टीम आरुमानी 10 गेंदों में बस 13 रन बना पाए। अब जिम्बाब्वे की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। शुरुआत में ही अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को अब जिम्बाब्वे ने खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए डीन मेयर्स मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर आए आवेश खान ने ब्रायन बेनेट को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। ब्रायन बेनेट 5 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। एक शानदार कैच पकड़कर रवि बिश्नोई ने भारतीय टीम को यह बड़ा विकेट अब दिलाया था। जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी अब दबाव में थी। अब जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा मैदान में उतरे थे और सिकंदर रजा ने आते ही 2 गजब के चौके लगाकर अपना खाता खोला था। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने अब अपनी टीम में जीत की उम्मीद जगा दी थी, लेकिन तभी पारी का 7वां ओवर डालने आए वॉशिंगटन सुंदर में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा को ही रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। सिकंदर रजा 16 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही सिकंदर रजा के बाद बल्लेबाजी के लिए आए जोनाथन कैंबेल को भी वॉशिंगटन सुंदर ने अपने इसी ओवर में रियान पराग के हाथों कैच आउट कर दिया। जोनाथन कैंबेल 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब जिम्बाब्वे की आधी टीम आउट हो चुकी थी। मुकाबला पूरी तरह भारतीय टीम के कब्जे में था। अब बल्लेबाजी के लिए क्लीव मडांदे मैदान में उतरे थे और फिर यहां से नए बल्लेबाज क्लीव मडांदे और डीन मेयर्स की इस जोड़ी ने जिम्बाब्वे के विकेट गिरने के सिलसिले पर रोक लगा दी और भारतीय गेंदबाजी पर एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया।
दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। अब जिम्बाब्वे की टीम के लिए एक अहम साझेदारी इस मुकाबले में बन चुकी थी। दबाव अब भारतीय गेंदबाजी पर भी दिखने लगा था, लेकिन भले ही जिम्बाब्वे के विकेट गिरने के सिलसिले पर रोक लग गई हो, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव अभी भी जिम्बाब्वे की टीम पर दिख रहा था। भारतीय गेंदबाजी ज्यादा तेजी से जिम्बाब्वे की टीम को रन बनाने नहीं दे रही थी, लेकिन इसी बीच क्लीव मडांदे और डेन मेयर्स के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। लेकिन अब आखिरी 4 ओवरों में जिम्बाब्वे को जीत के लिए 71 रनों की जरूरत थी। यहां से कोई चमत्कार ही जिम्बाब्वे की टीम को इस मुकाबले में जीत दिला सकता था, लेकिन तभी पारी का 17वां ओवर डालने आए वाशिंगटन सुंदर ने सेट हो चुके क्लीव मडांदे को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। क्लीव मडांदे 26 गेंदों में से 37 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। इस विकेट के साथ ही जिम्बाब्वे की 77 रनों की एक बड़ी साझेदारी अब टूट चुकी थी। जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी पर दबाव अब लगातार बढ़ रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए वेलिंगटन मसाकाज्जा मैदान में उतरे थे। अब जिम्बाब्वे को अंतिम 3 ओवरों में 64 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसके अगले ओवर में आवेश खान ने केवल 10 ही रन दिए, जिस वजह से अब 2 ओवरों में जिम्बाब्वे को जीत के लिए 58 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस पारी के 19वें ओवर में डीन मेयर्स ने एक शानदार छक्का लगाकर अपना गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वहीं अंत के ओवरों में भी जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुछ बड़े शॉट खेले। लेकिन उसके बावजूद भारतीय टीम ने 23 रनों से इस तीसरे टी20 मुकाबले को अपने नाम करते हुए 2-1 से जिम्बाब्वे की इस टीम के ऊपर बढ़त बना ली है। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम को जिम्बाब्वे की टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में कड़ी टक्कर दी। अंत तक जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी ने भारतीय गेंदबाजों के सामने हार नहीं मानी, लेकिन भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी के सामने जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी कमजोर दिखाई दी। जहां पर भारतीय टीम के लिए असली हीरो साबित हुए वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के 3 सबसे बड़े विकेट निकाले, उसमें जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा का भी विकेट शामिल था, और इसी के चलते भारतीय टीम यह रोमांचक मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आपको वाशिंगटन सुंदर की इस तीसरी टी20 मुकाबले में गजब की गेंदबाजी कैसी लगी, और आप उनकी इस अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।